यहाँ से आप पास हुए हैं और आज आपको आमंत्रित किया गया, सर कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ से आप उठे हैं उसी जगह पे वापस सम्मान के तौर पे मुझे, मैं ये देख रहा हूँ जो मुझे सम्मान दिया सबसे परिवार ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम और भी होते रहें, एसएफसी आगे बढ़ता रहे और सिर्फ समस्तीपुर नहीं, समस्तीपुर से बाहर भी अच्छा काम करे, ये देखिए मुझे खुशी। यहाँ सर बिल्कुल निशुल्क पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए क्लब का काम ही होता है कि निशुल्क पढ़ाना, खास करके उन लोगों के लिए जो वंचित परिवार से आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। मतलब समस्तीपुर तो एक माना जाता है कि पिछड़ा जिला है, जहाँ पर ग्रामीण आबादी लगभग 97% है, तो मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए वरदान की तरह है इस तरह के क्लब। और जो अब छात्र देख रहे हैं आज बहुत जगहों पे सफल होके गए हैं, उनमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा एसएफसी का, तो उनके लिए तो एक वरदान की तरह है कि बिना किसी खर्चे के, और चूंकि कमज़ोर परिवार से आते हैं तो पैसे दे नहीं सकते हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि उन्हें जो लोग आ भी रहे हैं इसी कृतज्ञता के साथ आ रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे फ्री में पढ़ाई की, जबकि दूसरे कोचिंग कई कई हज़ार रुपये लेते हैं और यहाँ से फिर सफल होके गए हैं, तो एक हमेशा दिल में एक आभार लेके हमेशा वो रहेंगे। और वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी जिस जगह पे भी है वहाँ गरीब बच्चों की मदद करें, तो बहुत अच्छा प्रयास है ये पूरे। आप भी यहीं से मतलब क्लब से जुड़े रहे हैं सर? मैं चूँकि ये जिनका यहाँ जन्म जो हुआ है सिंगिया में हुआ है, शहीद स्मृति क्लब, मैं वहाँ था, मैं ज़्यादा दिनों के लिए तो नहीं कहूँगा टू बी ऑनेस्ट, थोड़े दिन के लिए ही था, लेकिन मुझे चूंकि इंजीनियरिंग करने की तैयारी करनी थी तो मैं चला गया था गांव से बाहर, तो ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना भी मिला है, अमरजीत जी जो इसके संचालक हैं वहाँ पे, उनसे भी अच्छा, यहाँ पे जो नरेश जी थे उनसे भी अच्छी जान पहचान रही है, और जितने बहुत सारे आज बच्चे जो मेरे साथ पढ़े हैं एक फैमिली की तरह हम एसएफसी से जुड़े हुए थे, तो मुझे लगता है कि एक परिवार की तरह ही है मेरे लिए भी। सर आप बिहार के, हमको लग रहा है कि सबसे युवा वीडियो बनने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। सर आप एक युवा वीडियो बन रहे हैं, तो इसके बारे युवाओं के बारे में आपका क्या सोच रहेगा सर? देखिए युवा तो नहीं है लेकिन हाँ, सबसे युवा नहीं हूँ लेकिन हाँ देख के लगता है काफ़ी युवा हैं, तो बिल्कुल चूँकि युवाओं के लिए ही पढ़ाई लिखाई का काम है, और जो जिस एज में आते हैं हम लोग, चूँकि युवाओं पर सबसे ज़्यादा भी प्रेशर है वो अनएम्प्लॉयमेंट ना रहें, मतलब अनएम्प्लॉयड ना रहें, फैमिली को उनको चलाना है, फ्यूचर देखना है, और बहुत सारे युवा हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं जिनको काम करना है, लेकिन मैं कहूँगा कि सिर्फ अपने आप को सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखें, जो भी उनमें प्रतिभा है उसके अनुसार काम करें, बिहार का नाम रोशन करें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, और मैं चाहता हूँ कि बिहार से भी लोग ओलंपिक खेलें, अगर स्पोर्ट में दिलचस्पी है स्पोर्ट्स में जाएँ, पढ़ाई में दिलचस्पी है पढ़ाई में आएँ बिल्कुल, लेकिन हर जगह मेहनत होगा, मेहनत की रिक्वायरमेंट होगी और अपने आप पे आत्मविश्वास रखना होगा। मैं जो भी युवा आ रहे हैं उनके लिए मेरे दो भी हैं कि वो हमेशा आत्मविश्वास रखें, अपने आप पे भरोसा रखें और मेहनत करें, जो भी प्रतिभा है उस पर मेहनत करें, सफलता उनको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।